वहीं पूर्वी दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को एक धमकी भरा फोन कॉल आया था। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर गौतम गंभीर को एक धमकी भरा फोन कॉल आया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई। एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। परिवार की सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली पुलिस से ये सुरक्षा की मांग की गई। DCP शाहदरा को ये लेटर दिया गया है, जिसमें उस फोन नंबर का भी जिक्र है जो इंटरनेशनल कॉलिंग नंबर है, जहां से फोन आया था। ये कहना चाहूंगा कि इसको पोलिटिसाइज मत करिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला है कि ये कोई भी एंटी इंडियन या एंटी मुस्लिम बिल नहीं है। ये सिर्फ बाहर से जो लोग आ रहे हैं, माइनॉरिटीज जो आ रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनको सिटीजनशिप देने का बिल है। बाकी यहाँ पर किसी को भी थ्रेट नहीं है। अगर आप इसको पोलिटिसाइज करना चाहेंगे, पोलिटिसाइज तो आप हर चीज़ में कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पोलिटिकल पार्टी इसको पोलिटिकल एंगल से मत देखिए, और स्पेशली यूथ को इंस्टिगेट मत करिए। अल्टीमेटली यूथ की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनका भविष्य बनाना हमारी जिम्मेदारी, उनका भविष्य बिगाड़ना नहीं है। तो प्लीज लॉ को अपने हाथ में मत दीजिए। पुलिस वहां पर अपना काम करिए। अगर आप उनको उनके ऊपर पथराव करेंगे या उनके ऊपर आप किसी भी तरीके का हादसा करने की कोशिश करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। यूनिस खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनिस, गौतम गंभीर को धमकी भरा फोन कॉल आया, किसका, कहां से फोन कॉल था? DCP को क्योंकि लेटर दिया गया, उसके बाद जांच की गई होगी, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? अभी जैसे हमें जानकारी मिली है, पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर को जो खत भरा आया है, तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट पूर्वी दिल्ली के DCP अमित कुमार को दी है और लिखित लेटर दिया है। उसमें साफ लिखा है कि मुझे और मेरी परिवार को जान का खतरा है, और उन्होंने उनसे दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गौतम गंभीर ने क्या कुछ इस दौरान कहा, क्योंकि CAA को समर्थन में लेकर उनका जो बयान है वो अभी हमने सुनवाया, लेकिन साथ ही साथ धमकी भरे फोन कॉल को लेकर उन्होंने कहा कि क्या कुछ उनको फोन कॉल पर कहा गया, क्योंकि सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं गौतम गंभीर। देखो, जैसे साफ तौर पर गौतम गंभीर ने भी जो बयान दिया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि गंभीर को जो रशिया से कॉल आ रही है, उसमें इंटेलिजेंट को उन्होंने कंप्लेंट कर दी। इंटेलिजेंट अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा जो फोन कॉल आ कहां से रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को एक धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसकी शिकायत DCP से की गई है। फिलहाल गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई।